नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है डबल लेयर बर्फी बनाने की। ये बर्फी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है, आसानी से बन जाती है और इसको बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी ये बर्फी बनके तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। अब सबसे पहले ले ली है हमने एक कढ़ाई। अभी हमने इसको गैस पे नहीं रखा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि चीनी घुल जाए जल्दी से। अब यहाँ पर लिया है मैंने मिल्क पाउडर। ये मैंने 200 ग्राम लिया है, तो पूरा 200 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें हमें गैस से नीचे ही ऐड करनी हैं, उसके बाद हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स न रहे ध्यान रखना है हमें। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कोई भी लम्स नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी। आप चम्मच देख सकते हैं कि मैंने किस साइज़ की ली है। 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब हम ये बर्फ़ी बनाते हैं तो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। पर एक प्लेट को हमने घी से चिकना कर लिया है। आप केक टिन ले सकते हैं, बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे ले सकते हैं। इस तरह की प्लेट हर घर में मिल जाती है, तो इसलिए आज मैं बर्फ़ी जो है इसी प्लेट में जमा के दिखाऊंगी। तो ये प्लेट हमने पहले से रेडी करके रख ली है। अब कढ़ाई को रख दिया है हमने गैस पर। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और मीडियम फ्लेम पर बराबर से चलाते हुए हम इसको कुक करेंगे। चलाना हमें बिल्कुल बंद नहीं करना है और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें हैवी बॉटम पैन का ही यूज़ करना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो मिक्सर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसको और भी गाढ़ा करेंगे। बराबर से हम इसको चला रहे हैं, तले में से लेते हुए। हमें चलाना बिल्कुल नहीं बंद करना है। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो ये मिक्सचर है कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। अभी तक हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी थी और बराबर से हम इसको चला रहे थे। अब इस स्टेज पे आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और बराबर से हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो ये मिक्सचर है ये कढ़ाई से चिपकना बंद ना कर दे। तब तक हमें इसको कुक करना है। चलाना हमें बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो ये देखिए, ये जो मिक्सचर है ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, अच्छे से गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। गैस से नीचे हमने कढ़ाई को उतार लिया है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ मैं थोड़ा सा आधे से ज़्यादा पोर्शन रख रही हूँ, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है उसको मैं थोड़ा सा मोटा रखूँगी, और जो दूसरी तरफ है उधर हमने थोड़ा सा कम मिक्सचर रखा है। तो जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम फटाफट से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस हमें थोड़ा सा फास्ट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, और स्पून की बैक साइड में थोड़ा सा घी लगा के अब हम इसको फैला लेंगे चौकोर शेप में। स्पून की बैक साइड में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। तो इस तरह से अब हम इसको थोड़ा सा मोटा फैला लेंगे और ऊपर से चिकना कर लेंगे। हमने व्हाइट वाले की ये लेयर चिकनी कर ली है और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कि हमने कितनी रखी है। इसको हम एक साइड कर देंगे। पार्ट जो हमने बचा लिया है इसका,
उसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कोकोआ पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा हमें फास्ट करना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। हमने इसमें कोकोआ पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्रोसेस हमें थोड़ा फास्ट ही करना होगा। तो अब जो ये चॉकलेटी मिक्सचर है इसको हम इस वाइट वाले के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको एक जैसा ऊपर से फैला दिया है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ हमने इसको कितना मोटा रखा है। तो अब हम इसको अच्छे से सेट होने देंगे, उसके बाद इसके पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको हम थोड़ा सा सिल्वर वर्क से गार्निश कर देंगे जिससे कि ये देखने में भी अच्छी लगेगी। सिल्वर वर्क लगाना ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। सिल्वर वर्क लगाने के बाद अब हम इसको मनचाहे पीसेज में कट कर लेंगे। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। पीस का साइज़ आप छोटा या बड़ा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है खाने में ये उतनी ही टेस्टी लगती है। ये देखिए तो ये देखिए हमारी डबल लेयर ये बर्फ़ी बनके तैयार है। इसको बनाने में ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं होती, झटपट से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी टाइट नहीं हुई है, आप देख सकते हैं कि एकदम ये सॉफ्ट बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।